हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, एक मिनट रुको, आ जाओ। ओहो कैसे लगी? इतनी वो लैपटॉप के लग गया। चलो आ जाओ आ जाओ। तोते कहाँ गए? तोते इसमें थे चाचू, ये वाले मैंने ना शिफ्ट कर दिया उनको, और तुम्हें दिखाऊं कैसा है वो। एक था, ज्यादा नहीं थे, हम समझ रहे थे ज्यादा है। इनमें से देखो कौन सा न्यू वाला है, जल्दी देखो बताओ मुझे, फिर जल्दी बताओ। हाँ इसमें इसमें न्यू है, जल्दी बताओ। नहीं है। ये देख रहे हो ये येलो वाला, ये पहले कहाँ था हमारा? ये येलो वाला हमारे पास नहीं था, ये न्यू है जिसकी पूंछ भी छोटी है, देख रहे हो? बाकी हमारे सारे वाले पुराने हैं, ठीक है? वो जो आप कह नहीं रहे थे वो तोता छोटा वाला, वही छोटा वाला तोता ये है ना इसमें, पता नहीं तुमने क्या समझो है चाचू। नहीं। हाँ ना नहीं है। इसमें ये येलो वाला यही न्यू तोता है ना हमारा, जो अभी हमारे पास आया था। सही है, समझ आ गई? ओके आ जाओ भाई, सारे तोते हैं, आ जाओ तुम बाहर आओ, सर लिखाओ, आ जाओ, चलो चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? इस डब्बे में दोस्तों बजी आया था एक, और मैंने वो शिफ्ट कर दिया, और अब वो ना हमारे दो, क्या हुआ बोलने तो दो चाचू। यार इधर आओ, मैं तुम्हें अंदर करूँ, आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं मैं अंदर बैठाऊंगा तुम्हें, ऐश आ जाओ शयान के साथ में, चलो इसको अपनी गोदी में बिठाओ, आ जाओ ना, आ जाओ यार। यार शयान कह रहे थे मुझे ऐश और फियोना के घर में जाना है, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा है, मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगा। कल ऐश और फियोना का कूलर ख़राब हो गया था ना, फिर हमने सेट करवा दिया था, आज उनका कूलर बहुत ही मज़े से चल रहा है। ये देखे ना यहाँ पर पानी पहले नहीं आ रहा था, अब पानी आना शुरू हो गया है, और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा, देख रहे सूरज को फुल जोश में है। तो अभी हमारे ऐश और फियोना ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, शाम को हम इनको खोलेंगे और उधर बंद कर देंगे। गर्मी में क्यों बैठे हो यार, आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें शिफ्ट कर दूँ सेफ्टी रूम में लेके जाता हूँ, नहीं आना, आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ यार, तुम्हें खाना भी दूंगा फिर, आ जाओ आ जाओ यार, नहीं करते ऐसे, आ जाओ। ओह यार मैं ईगल को पकड़ लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। नहीं बन रहे, चुप करो, चलो बैठो। ईगल को दोस्तों मैंने शिफ्ट कर दिया, और अब ये छांव में बैठा रहेगा सेफ्टी रूम में, क्योंकि गर्मी नहीं है ना, इधर ये सही रहेगा। चलो चलते ऊपर, आ जाओ। मछली कैसी है? सही है बिल्कुल, कोई मरी तो नहीं है ना? नहीं मरी नहीं। फीड लेके आए थे? फीड लेने गए थे। फिर मिली है? वो कह रहे कि ये मिलेंगे, ये दूर से मिल रहा है ये। अच्छा फिर वो कैसी रह रही है यार भूखी? वो सलांटी नहीं होती। हाँ। उसे पीस के अभी डाल रहा हूँ। अच्छा। फिर शाम को जाऊंगा, अभी ले आऊंगा। चलो लाजमी लेके आना, ठीक है? ये बच्चे भी जल्दी दे देती है ना, इतनी सी उम्र में ये बच्चे दे देती है, पता तुम्हें? छोटे छोटे बच्चे देंगी देखना, हफ्ते डेढ़ के अंदर अंदर। अंडा दे दूंगा। आप भी अंडे दोगे? चलो आओ दे दो, आओ जो। नहीं। बिल्ली शयान वो देखो, बिल्ली आई हुई थी यार, क्या यार ये कैसी है यार, ये तो हर वक्त आ रही होती है, इसका कुछ करना पड़ेगा। यार कल भी आई हुई थी बिल्ली, और आज भी आई हुई है, इस बिल्ली को ना आदत हो गई यहाँ पर आने की, कोई ना कोई चीज लेके चली जाती है। कल रैबिट का बच्चा लेके जा रही थी, और वहां भी ने बिल्ली को डराया है, बच्चा छोड़ के वो चली गई, लेकिन वो बेचारा बच्चा मर गया था। क्या हुआ चाचू? खा लिया ये? चलो इसको मैं खोल देता हूँ, ठीक है? ऐसे हाँ लाइट है, येलो 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 येलो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खा लो खा लो खा लो, ये लो, शाबाश शाबाश। तो यार हमारे इन कबूतरों में से ना इन तीनों के ना पार्टनर नहीं है, यानी कि एक ये हो गया, इस बेचारे की तो कल मर गई थी, हमारा फ्रिल कबूतर है ये वाला, कितना प्यारा है, ये अकेला है, ये वाला भी अकेला है, ये वाला भी अकेला है। तो हम क्या करेंगे, बहुत जल्द इनके लिए ना इनके पार्टनर्स लेके आएंगे, ताकि ये बच्चे दें और यहाँ पर ये खुशी खुशी रहें। अभी भी खुश हैं, लेकिन यार जब पार्टनर्स वगैरह आ जाएंगे तो अंडे वगैरह होंगे, इनके बच्चे होंगे, तो बहुत अच्छा होगा। वो कबूतर देख रहे हो हमारे? हमारे तो नहीं है भाई। सही कह रहे हो, मैं सॉरी। उठो, क्या है पत्थर हटाओ यहाँ, तुम लेकर आए थे, याद नहीं है फाउंटेन में पत्थर डालते हैं? अच्छा बताओ। मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो हमारे कबूतर है ना, अब वो हमारे नहीं है, क्योंकि वो कबूतर हो गए हैं सारे जंगली, हमारे घर में नहीं आते, वो सारा दिन उधर बैठे रहते हैं, रात को भी उधर बैठे रहते हैं, और फिर हमारे कबूतर कभी उस जगह बैठे होते हैं, कभी उनके घर जाके बैठ जाते हैं, मतलब अपनी मस्ती में मगन है,
तो पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही ये सब कुछ शायद। हाँ बताओ भाई, ये बिल्ला है जो आता है ना उसके डर की वजह से ऊपर बैठे रहते हैं। तो बिल्ले को पकड़ने को कोई ट्रैप बनाओ ना यार, सिपते हैं ना ये तो बहुत नुकसान कर रहे हैं। ट्रैप बन सकते हैं बस, मास्टर केज में कैसे, ऊपर से छत नंगी है यार। नहीं हो सकता, बिल्ला नहीं पकड़ा जा सकता अभी, सॉरी। बिल्ले को पकड़ सकते हैं सिपाही? कैसे? यहाँ पर कोई गोश्त वगैरह रखेंगे। हाँ। सही है। हाँ। बिल्ला आएगा उसको खाने के लिए, ठीक है, और फिर हम उसको पकड़ लेंगे। ऐसी वैसी डाल के ना। हाँ, कुछ करेंगे जरूर। सही है, ट्राई करें। ओके ओके, चलो भाई। ब्लैकी कैसी हो, ये कहाँ से आई यार? ब्लैकी कहाँ से आई भाई? ओहो, इधर से भाई। ये देखो, ब्लैकी ने अपना रास्ता बनाया हुआ है। हाँ, सही है। यहाँ से आना जाने लगा हुआ है। वाह, गुड यार। बच्चों को लेके आओ ना इधर। दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। आ जाओ भाई सारे बच्चे, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। तो यार हमारे ब्लैकी के बच्चे ना बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से, देखें यार कितने क्यूट और सारे फैंसी है ना। तो आप ये भाई, ये ब्लैक तो दोनों फैंसी हैं। अच्छा, ये वाला भी फैंसी है और बाकी लोकल और है। ये वाला भी फैंसी है और ये वाला भी फैंसी है और ये वाला भी फैंसी है, सारे फैंसी है भाई। तो भाई सीधा सीधा बोल देते ना, बस इनके कलर्स थोड़े लोकल वाले हैं, लेकिन इनके बाल मोटे मोटे हैं, घने घने हैं। ये तो पूरी ब्लैकी है यार, ये देखें इसके बाल भी बड़े बड़े हैं। शोर शोर शोर, किधर है बिल्ला, किधर है? अभी यार हमारे सारे परिंदे शोर कर रहे थे, मेरे ख्याल में बिल्ला आया है वापस। पता नहीं चलता, फौरन आते हैं फौरन गुम हो जाते हैं, पता नहीं क्या जादू है उसमें। सारा दिन यार ये लोग ना यहाँ पर रहे हैं आज, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। हमने कूलर पंखा चलाया हुआ था सुकून से। अभी खोल दो इनको, बस ये चूजे वूजे बंद करते हैं तो आप, फिर इनको मैं खोलता नहीं तो भाई मसला हो सकता है ना ऐश? ऐसा ही है ना, ऐसा ही। रैबिट्स को ना यार शिफ्ट रूम बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि हमने जो, क्योंकि ये छोटे हैं ना, तो ये ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर ये सिक्योर फील करें, आराम से छुपे हुए बैठे रहते हैं। ये देखें, ये सारे इधर छुपे हुए, एक वहाँ पे है, एक उधर बैठा हुआ है, ऐसे ही मतलब छुपे रहते हैं ये लोग। हाँ भाई सही है ना, ठीक है ठीक है। वापिस आ गया मोर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार हमारा वाइट मोर ना ये वाला उधर चला गया था दूसरी छत पर हमसायों की, उसके बाद ये क्या करते और आगे चला जाते, फिर इसको ढूंढते रहते हम। लेकिन वापस आ, वापस आया, इसका मतलब ये हुआ कि इसको पहचान होती जा रही है कि हाँ, ये मेरा घर है। हाँ, ये अच्छा साइन है। सिपाही ऐसे खाम खा बेचारे उसके पर निकलवा रही है, वो जो वहाँ पर बैठा है। कटवाए थे, निकलवाए नहीं थे? वही, अगर होते उसके पर तो वो भी पक्का हो जाता इसकी तरह। वो भी पक्का है, पक्का है, पक्का आ जाएगा। लेकिन वो बैठा इधर रहते, लगता है वो कर रहा है अपने। हाँ हाँ, नजारा कर रहा है, फिर एक दिन उड़ जाएगा। चलो आ जाओ, चले। क्या हुआ यार? हाँ, ओ हो, ऐश ने सारे पर उतार दिए। ऐश ने किया है? ऐश और हम अंदर आए ना, वो ऐश और किधर है? ऐश मोर ठीक है? मोर मोर ठीक है? उसके सारे पर तो तबाह हो गए बेचारे। ये तो बहुत डरा हुआ भैया। कहाँ है ऐश? हाँ, इसको भैया सेल कर रहे हैं हम। ये समझ नहीं आ रही इसकी, ये बिल्कुल अजीब सा हो गया भाई। ये देखें यार, ऐश ने ना मोर के ऊपर हमला कर दिया, इतना बड़ा परिंदा, और ऐश ने सारा उसका पूंछ ना उखाड़ दिया है। ओहो यार, आधे से ज़्यादा निकाल दिए सारा। ये भी देखो ना यार, उसकी सीने के बाल हैं ये तो, चोट तो नहीं आई हुई? पता नहीं भैया, जरा पकड़े मोबाइल। आराम से इसको बेचारे को जरा प्यार से उठाओ, सहलाओ इसको। से देखें, कोई जख्म तो नहीं है इसको? अगर जख्म हुआ तो फिर ये भर नहीं पाएगा। ठीक है ठीक है, लग तो नहीं रहा ऐसे कोई, सही है ठीक है। उसका पूंछ तो सारा खराब कर दिया, जाहिर है भाई। इनको सेल करो या इनको वापस करो कहीं। ऐश को भैया सेल करते हैं, ये सही नहीं है कुत्ता। ऐश ने हमला कर दिया, देख रहे हो ये पर, देख रहे हो सारे ये मोर के हैं। उसका पूंछ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इधर आओ। सारा का सारा पूंछ ऐश ने उसका तोड़ दिया। हाँ। ये देखो, ये है, ये है सारा पूंछ। हाँ। ध्यान से, ये खराब नहीं करो। यार सारे परेशान हो गए हैं, ऐश बहुत ज़्यादा हमारा बदतमीज होता जा रहा है, और सब यही कह रहे हैं कि इसको वापस करें या कुछ ऐसा कोई बंदोबस्त करें ताकि हमारे परिंदे सेव रहें। इतना बड़ा परिंदा ऐश, उसको खाने की कोशिश कर रहा था। हमारी गैर मौजूदगी में ये कुछ भी कर सकता है, पूरे सेटअप का सफाया भी कर सकता है। तो कुछ सोचना पड़ेगा, आपने भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि ऐश का क्या किया जाए। समझ नहीं आ रही यार, कुछ समझ नहीं आ रही। इस ऐश का नाम टकला रख दें। हाँ।
क्यों? हमारे वो पर नहीं बचाए ना उस मोर के, फॉरेस्ट से बता दिए। चलें आज से ऐश का नाम टकला, ठीक है? ऐश को खत्म करते हैं, ऐश बॉस की जगह पे उसका नाम टकला रख देते हैं, सही है? ओके ओके डन। वहां पे ने फोन किया, वैसे किसी का फोन है, ऐश ने मोर के ऊपर हमला कर दिया। ये तो रख दो, चिकन रख दो, अभी कच्ची है, ऐश में ना किया ना। हाँ, काम चेक करो, इधर हम रोज चिकन लेते हैं उनके लिए, और इधर ओ भाई जान बर्बाद कर दिया है ऐश ने। ये देखो ये भी मोर के पंख हैं, और ये सारे, ये देखो भाई जान, ये क्या कैसे यार, वो है भाई। मैं 2 मिनट के लिए घर गया हूँ, सही है? अच्छा। पीछे से सारे बच्चे चिल्लाने चीखने लग गए। मैं जो इधर आया हूँ, फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐश ने ये हरकत की हुई थी। शुक्र है बच्चे टाइम पर आ गए सिप्तान, नहीं तो मोर हमारा मर जाता भाई, 2 मिनट ना लगते यार। इसका करो यार तुम बंदोबस्त, बस इसको हटा रहे हैं भाई। मैंने पूछा है भाइयों से, पूछा है कि आप बताएं कमेंट बॉक्स में इसका क्या करें। फियोना तो शरीफ है, ऐश का कोई हाल नहीं है भाई। जितना भी इसको सजा दें, जितना भी कुछ करें, ऐश हमारा सुधरने वाला नहीं है। बस ऐश तुम्हारे कुछ दिन बाकी हैं, तुम यहाँ से चले जाओगे, सही है ना? ये तुम्हारी अपनी गलती है भाई, सही है ना? हमने तुम्हारी बहुत केयर की है, लेकिन तुम नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हो, नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हो, ऐसा तो नहीं चलता ना, हैं? ये गलत बात है ऐश। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी अजीब सी वीडियो, समझ नहीं आई, अचानक से हो गया, और सारा दिन हम सुकून में रहे, एंड में ये हो गया। ऐश बस कुछ दिन है इसके, तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जितना लाड किया ना तुमने, जितना लाड किया ना तुमने और मैंने, वो उतना ही बिगड़ा है, दफा करो भाई। मैं इसको ऐसे कर रहा था फिर भी ये खा रहा था। इतना बहुत ट्रेनिंग की है तुमने भी, मैंने भी, कुछ भी नहीं हुआ इनका भाई। बेचारे मोर हमारे, कुछ पता नहीं क्या बनता है यार इनका। तुमने बोला था सेफ्टी डॉग, सेफ्टी डॉग, सेफ्टी डॉग। अच्छा मोरों को क्यों ना लाता भाई मैं? ऐश होने के लिए हम सिर्फ ऐश हो ना, इस मिनी जू में रहे हमारे। ना, गलत बात। बस ये जाएंगे अब भाई, अब जाएंगे, ये बस एंड है इनका।